वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज साड़ी गाड़ी निकल गई है खाटू श्याम, तो खाटू श्याम के दर्शन कराएंगे आपको, राजस्थान बाबा श्याम खाटू श्याम और सबके बनाएंगे काम। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं, स्टार्ट हो गई गाड़ी, बज चुके हैं 8:30 और देखते हैं कब पहुंचेंगे हम लोग खाटू श्याम। तो देखो ये तो वो बन गया यार जो मैं हमेशा बना देता हूँ कुछ ना कुछ। तो अभी हम निकल, तो चारों तरफ खड़ी है गाड़ियां गाड़ियां, और ये कुछ बोल रहा है इसको पहले तो चुप कराओ क्योंकि डिस्टर्ब कर रहा है। हाँ जी, तो अब हम लोग निकलते हैं और तो फाइनली हम आ चुके हैं अभी करोल बाग, और करोल बाग में आपको दर्शन कराएंगे हम बालाजी महाराज जी के। और ये देखिए कितनी बड़ी प्रतिमा यहाँ लगाई गई है करोल बाग में, आप देखिए ये देखिए। और यहाँ ये है हनुमान जी का मंदिर, और यहाँ से हम लोग दर्शन कर लेते हैं अभी जाने से पहले ये। चलो जी करो, जय हो बालाजी महाराज की। वो तो ये देखिए फाइनली हम गुड़गांव के जाम में फंस गए जो हम सोचे थे निकल जाएंगे, लेकिन ये ऑफिस टाइम है, 9:15 बज चुके हैं और हम फंस चुके हैं जाम में। और यहाँ सबको आ रही है नींद, और आरुष अभी सो रहा है या नहीं सो रहा है, अभी ही सो रहा है, नहीं सो रहा है, ये देखिए नहीं सो रहा है। ये देखिए ब्यूटी ऑन द ड्यूटी। तो गुड़गांव में आपको दिखाते हैं बिल्डिंग ही बिल्डिंग, लेकिन अभी बहुत ज्यादा फॉग है यहाँ पे, तो इस वजह से ज्यादा कुछ देख नहीं रहा है। तो जी पहला टोल अब कटने जा रहे हैं हम लोगों का मानेसर। तो फिलहाल हम गुड़गांव के जाम से निकल गए और ये फटाफट ऑटो पिक कर चुके हैं, हमारे पैसे काट चुके हैं, और मानेसर को क्रॉस करते हुए और पीछे हम लोग यहाँ पर देखिए रिया और आरुष, रिया तो सो रही है, सो रही है स्टॉप। और यहाँ पर स्टार्ट हो गया इनका ब्रेकफास्ट जो घर से लेके आए थे, और ये देखिए यहाँ पर पनीर का पराठा विद आलू, और यहाँ पे दो बालू, ये हमारे कान्हा जी लगा रहे हैं, और यहाँ कान्हा जी लगा रहे बहुत, ये देखिए और भैया मैं तो गिर गया बाबा। बस 1 घंटे पहुंच जाएंगे हम खाटू श्याम और आपको कराएंगे दर्शन। और अभी हम आ गए मेन हाईवे को छोड़ के स्टेट हाईवे पर, और यहाँ 8 किलोमीटर दूर खाटू श्याम। तो रास्ता देखिए साफ सुथरा रास्ता है, ठीक है, छोटी छोटी पहाड़ियों के बीच में से हम लोग जाते हुए। तो देखिए पूरा जंगल सा आ गया है और काफी अच्छा रास्ता है यहाँ पे, पंकी घूम रहे हैं और हम भी देख रहे हैं। तारू सरवार अपने दोस्त से जो बात करता है बहुत ज्यादा फोन पे, फ्री फायर वाला राजू हेलो भी नहीं कर रहा। चलो जी भी थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे खाटू श्याम, ठीक है राजू, चल ठीक है बेटा, ओके। दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के लेने आ जा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे। तो सोया जा रहा है अभी, हाँ पर सोया जा रहा है, सो चुके हैं, मैंने देख लिया। ये तो सो रहे हैं, और यहाँ पर खाटू श्याम हम पहुंच चुके हैं। चलिए जी अब यहाँ से रास्ता आगे बंद है, यहाँ से पैदल मार्ग है, और अभी गाड़ी पार्किंग में लगाती हूँ, यहाँ सारी पार्किंग है यहाँ पे। तो खाटू नगरी हम लोग पहुंच चुके हैं, खाटू नगरी वाले। तो यहाँ पार्किंग ही पार्किंग है, तो पहले पार्किंग लगा देते हैं या देखते हैं। पहुंच गए, और ये देखिए आरुष के पहले यहाँ पे फोटो खींच रहे हैं, वीडियो बन रही है, तो पहले हम गाड़ी हटाते हैं यहाँ से। और ये आ गया अभी खाटू श्याम का गेट,
हाँ जी फाइनली पहुंच गए खाटू श्याम, और खाटू श्याम गुरुद्वार हमारे पीछे, और अभी करेंगे खाटू श्याम जी के दर्शन। तो बहुत तेज धूप है, जबकि मॉर्निंग में निकले थे तो दिल्ली में था 17 का टेम्परेचर, और यहाँ पर है अभी 32 का टेम्परेचर। तो बहुत तेज है, जिस वजह से मेरी आंखें भी नहीं खुल रही। तो बहुत यहाँ पे लोग नाच रहे हैं गा रहे हैं, तो देखते हैं अभी। यहाँ पर ऊंट को भी नचाया जा रहा है और सब नाच रहे हैं बहुत ज़्यादा। जी लड्डू गोपाल जी भी आए हैं दर्शन करने के लिए खाटू श्याम जी के। तो अभी तो दरबार के पास है, हम मंदिर पे जाना है। जी तो पहुंच गए हम, ये देखिए ये यहाँ पे बहुत अच्छी धर्मशाला है, बिल्कुल होटल की तरह, और ये आपको सिर्फ 600 रुपीस के अंदर मिल जाएगी। तो चलते हैं अंदर। तो ये गाड़ी लगाने के लिए भी देखो कितनी सारी जगह है यहाँ पे, तो गाड़ी हमने लगा दी है। तो अभी चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको कैसी धर्मशाला है। तो यहाँ पे देखिए श्री श्याम सेवा सदन फतेहाबाद, तो फतेहाबाद का है ये, यहाँ पर धर्मशाला, और बहुत अच्छी है 600 रुपीस के अंदर। तो अंदर से भी दिखाता हूँ आपको। ये पहुंच गए धर्मशाला के अंदर, और देखिए किस तरह का एम्बियंस है, ये बहुत अच्छी धर्मशाला है ये। और अभी हम जा रहे हैं अपने रूम में, तो बैग यहाँ पर रख लिया हमने। चलो भाई चलो चलिए। और क्या, तो देखिए जी अभी हम आ गए यहाँ पे, लड्डू गोपाल जी जा रहे हैं दर्शन करने खाटू श्याम जी के, और अभी कर रहे हैं रिक्शा। और ये सामने ही हमारी धर्मशाला वहाँ पे, और ये यहाँ पर है देखिए आप, ओम रेस्टोरेंट स्वीट बेक। तो अंडे लिए जा रहे हैं यहाँ पे, खाटू श्याम की गाड़ी बिक रही है यहाँ पे, और हम जा रहे हैं मंदिर, और आज ट्रॉली में लेके जा रहा है लड्डू गोपाल जी को। तो यहाँ पे आरुष आ रहा है ट्रॉली लेके, और हम आए बैक साइड के रास्ते से, और ये है श्याम कुंड प्राचीन। किसे देखे थे, और यहाँ गोलगप्पे बिक रहे हैं देखो। तो बैक साइड के रास्ते से आए हम, ये मार्केट है, अभी पता नहीं मंदिर कितनी दूर है क्योंकि पहली बार हम लोग आए हैं यहाँ पे। खाटू श्याम की बहुत सारी दुकानें मिलेंगी यहाँ पे ऐसे, बढ़िया बढ़िया। और ये है मार्केट, और ये है आरुष। सबसे पहले ले लेते हैं यहाँ पे प्रसाद, चूरमा जी का प्रसाद लगाएंगे हम। दूसरा प्रसाद ले लिया, और आज आरुष की दिल की इच्छा पूरी हो गई है, क्योंकि ये खाटू श्याम जी के दर्शन करना चाहता था। तो आज हम इसको खाटू श्याम जी के दर्शन कराने लेके जा रहे हैं। बाकी बाल्टी पीछे आ रही है, ये लो जी। तो फाइनली पहुँच ही गए हम बाबा के दरबार, श्याम बाबा के दरबार खाटू श्याम। तो ये देखिए यहाँ हो रही है चेकिंग लड्डू गोपाल जी की। बोलो रहे हो तो दो एक, अरे झाड़ू मार रहे थे अगर जल्दी लेके चल, झाड़ू मार रहे थे। चलो जी, काफ़ी लाइनें बना दी गई हैं यहाँ पे, और आप अच्छी सुविधा के साथ जा सकते हैं यहाँ पे, दर्शन कर सकते हैं। आरुष लेके जा रहा है यहाँ पर दर्शन कराने लड्डू गोपाल जी को, और बहुत ही सुंदर भव्य मंदिर बनाया गया, और लाइन ही लाइन है। और ये देखिए बाबा श्याम का दरबार, और पहुँच ही गए हम लोग।
हाँ, और ये देखिए लाइन में खड़ी रही। तो इधर है खाना जी का, तो अभी दर्शन कर लिए सब लोगों ने हमने यहाँ पे, और अभी हम जा रहे हैं बाहर लड्डू गोपाल जी के साथ, और हमें वीडियो बनाने के लिए मना किया गया है। तो हम लोगों ने सभी ने दर्शन कर लिए बहुत अच्छे, तो अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर, और अभी हम जाएंगे, ये है श्री श्याम कुंड, तो अभी हम जा रहे हैं श्री श्याम कुंड और आपको भी दिखाएंगे। तो यहाँ से मंदिर की एग्जिट हुई थी, तो ये मार्केट में वापस आए और हम लोग जा रहे हैं अभी कुंड में। तो दर्शन बहुत अच्छे हुए हमें, और बिल्कुल मंदिर के ही पास में है, वॉकिंग डिस्टेंस है 2-3 मिनट का कुंड का। तो अभी कुंड पे चलते हैं और कुंड के भी दर्शन आपको कराते हैं। अरे मेरे तो मैंने सोच कर रखी, कोई नहीं, ये पैर धोएंगे यहाँ पे, रुक जा। तो पहले हम ओए बहुत ठंडा पानी है, ठंडा है, आ जा। तो अब लड्डू गोपाल जी को हम जय श्री श्याम। तो आगे अभी हम जय श्री श्याम कुंड, जहाँ से श्री श्याम ये देख, ये है कुंड और यहाँ करते हैं स्नान। ये तो अभी आप स्नान कर सकते हैं। मैं नीचे जा क्या? और आरुष का मन कर रहा है नीचे जाने का, मैं जा क्या? जा उधर से जा और बैठ जी। आराम से, तो अभी रौनक चला गया नीचे। पजामा उतार ले जी। तो फाइनली आ गए हम श्याम कुंड में, और अभी नीचे चलते हैं, आप छीटे लेते हैं कुंड के। आजा आजा, क्या हुआ? ये है ना फोन, ये तो चलो जी। आरुष तो पहले आ गए यहाँ पे श्याम कुंड में नाने। श्याम कुंड नहीं, छीटे मान ले। ये देखो जी, हाँ फोटो नहीं वीडियो बननी है, ये लो। हारे के सहारे की जय। अभी कुंड के दर्शन आपको करा दिए, देखो रिया आ गई अब, और ये फोन में लगी है ये की मम्मी, तो रिया भी जा रही है छीटे लेने। तो ये भी श्याम कुंड छीटे लेने नाले नाले जी। कुंड भी देख लिया अब, और बाबा श्याम के दर्शन भी हो गए, और अब चलते हैं वापस बाहर अपनी धर्मशाला होटल की तरफ। देखो का, तो ये देखिए, ये ओम स्वीट जो यहीं से गए थे हम लोग रिक्शा लेके, तो रिक्शा वाला मैं वहां से लेके गया और 80 रुपीज लिए, जबकि ये बिल्कुल उसके साथ में से रास्ता जा रहा है, वॉकिंग डिस्टेंस है 5 मिनट का, और वो है हमारी धर्मशाला, तो बहुत ही पास में। लड्डू गोपाल जी अभी करने जा रहे हैं इवनिंग का कुछ नाश्ता पानी अपना, ये देखिए उठा के लेके जा रहे हैं होम स्वीट के अंदर। चलिए इनका हो गया अभी इवनिंग का, इवनिंग का डिनर से पहले जो होता है
इवनिंग की टी और ये हम खा के जा रहे हैं जा रहे हैं। तो ये देखिए इसका एम्बियंस, ये कुछ इस तरह है जैसे हम लोग रुकते हैं अपना बालाजी महाराज जब हम जाते हैं मेहंदीपुर, तो कुछ उस तरह की है। अच्छा तो ये फाइनली आ गए हम अपने रूम में और यहाँ सब के आराम हो रहे हैं यहाँ पे। क्या बात हुई, आराम कर रहे हैं आप? हाँ। अभी आराम कर रहे हैं और फ्रूटी लेके आए दिखा रहा मुझे चार फ्रूटिया लड्डू गोपाल जी कपड़े चेंज हो रहे हैं। तो ये है हमारा कुछ इस तरह का रूम। निकल चुके हैं अभी हम लोग डिनर करने और डिनर करने निकल गए हम लोग क्योंकि हमें लग रही है भूख। तो जब हमें लगती है भूख तो हम करते हैं डिनर। तो ये देखिए फैताबाद धर्मशाला दिख रही है आपको और अभी तो हम जा रहे हैं डिनर करने। तो गाइस देखिए ये बिल्कुल मंदिर के पास एक और होटल है, आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया है होटल, क्या धर्मशाला बहुत बड़ी और सिर्फ 1100 रुपए में यहाँ रूम मिलता है। और ये देखिए इसका एड्रेस, तो यहाँ भी आप रुक सकते हैं, बहुत ही सुंदर है, मतलब 3% 1100 में। देखिए नाइट में पूरा जत्था का जत्था जा रहा है बाबा के दर्शन करने के लिए और सब लोग जा रहे हैं। डिनर टाइम पे हम खा रहे हैं पोहा, अभी बन रहा है पोहा। पोहा चल रहा है हमारा पोहा। ये पोहा है कैसा है? तो अभी यहाँ पे पिया जा रहा है दूध गर्मा गर्म। बहुत कमजोर हो गया मैं दूध पी रहा हूँ। सारी बाबा छोड़।